Okay, in this lecture we will see the design equation of rectangular microstrip antenna. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी एंटीना का डायमेंशन हम वेवलेंथ के टर्म में देते हैं, और कोई भी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना हम उसके लेंथ और रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना उसके लेंथ और विड्थ से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यदि रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कैसा है, ये रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का टॉप व्यू है। तो आपको ये जो येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड पैच। तो क्या इसका शेप रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बोल रहे हैं। आप इसका साइड व्यू देखिए, इसका साइड व्यू देखिए, इसके साइड व्यू में क्या है, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, और इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कभी कभी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, और ये जो एच मेंशन है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये आपका जो सबस्ट्रेट है, जो डाइलेक्ट्रिक है, इट इज़ रिलेटेड विद परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का क्या मीनिंग होता है, परमिटिविटी का मीनिंग होता है परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक मटेरियल ये है और दूसरा मटेरियल ये है। इस मटेरियल का एप्सिलॉन आर 2 है, इस मटेरियल का एप्सिलॉन आर 10 है। इस चीज़ का मीनिंग क्या है, इसमें देखिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि ये मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम परमिशन दे रहा है, लेकिन ये मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा परमिशन दे रहा है। तो इसके नीचे ये जो पोर्शन बना हुआ है, ये क्या है, ग्राउंड प्लेन है। ये जो ग्राउंड प्लेन है, ये जो ग्राउंड प्लेन है, ये ऐसा, ये ब्लैक से बना हुआ है, ये ग्राउंड प्लेन है। मतलब किसी भी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में पैच, डाइलेक्ट्रिक लेयर और ग्राउंड प्लेन होगा। पैच और ग्राउंड प्लेन दोनों कंडक्टिव नेचर के होंगे। ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट है वो क्या है, फीड है। आप अच्छे से देखिए इस फीड को मैंने कहाँ पर एक्स एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस से फीड कर रहे हैं हम। तो इसका फीड लोकेशन क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो होगा। चलिए तो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि किसी भी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का, किसी भी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को उसके लेंथ और विड्थ से डिफाइन करते हैं। विड्थ ऑफ द पैच इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। क्या विड्थ ऑफ द पैच ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है? बिल्कुल है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी हूँ कि डायमेंशन ऑफ द एंटीना इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो विड्थ ऑफ द पैच जो है क्या ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है? हाँ है। जब हम इस माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को एक्साइट करते हैं, ये कौन सी फीडिंग टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, कोएक्सियल फीड टेक्निक यूज़ करी है। इस माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को यदि मैंने यहाँ से एक्साइट किया, तो देखिए अब एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, आप देखिए कि फील्ड जो है एक कंडक्टर से निकल रहा है, दूसरे कंडक्टर पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। साथ साथ ये भी ऑब्जर्व करिए, क्या ये फील्ड जो है इस डाइलेक्ट्रिक लेयर के अंदर है? बिल्कुल है। क्या ये फील्ड एयर पे गया? नहीं। रेडिएशन कहाँ पे मिलता है? फ्री स्पेस पे मिलता है, एयर पे मिलता है। मतलब ये रेडिएशन पे तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे फील्ड को देखिए, यहाँ पे कुछ फील्ड, कुछ बैंड होके एयर से पास हुआ, देन डाइलेक्ट्रिक से पास हुआ और कहाँ पे चला गया, ग्राउंड प्लेन पे चला गया। मतलब यहाँ पे फील्ड कुछ का कुछ फील्ड थोड़ा सा क्या आया, एयर पे आया। ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं। और यही फ्रिंजिंग फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेडिएशन के लिए किसी भी रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना पे। फ्रिंजिंग फील्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएशन फ्रॉम द माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। तो ये बातें आपको हो सकता है समझ में आ गई हो। और इसको हम क्या बोलते हैं, साइड व्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। अनदर थिंग यू कैन ऑब्जर्व, कैन यू से द साइज ऑफ द ग्राउंड प्लेन इज लार्जर देन द साइज ऑफ द पैच? यस। आप देखिए ये ग्राउंड प्लेन का जो साइज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पैच। आइडियल केस में यदि हम बात करें तो ग्राउंड प्लेन का साइज जो होना चाहिए किसी भी रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। बट इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि यदि मैंने इसको एक्साइट किया,
एक्साइटेशन की वजह से क्या होगा, फ्रिंजिंग फील्ड होगी। और मैंने आपसे बोला कि फ्रिंजिंग फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेडिएशन के लिए। फ्रिंजिंग फील्ड क्या होती हैं, रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, फिजिकल एरिया ऑफ द पैच है, लेकिन फ्रिंजिंग होने की वजह से आप देखिए ये लेंथ ऑफ द पैच है, ये विड्थ ऑफ द पैच है, ये विड्थ ऑफ द ग्राउंड है, ये लेंथ ऑफ द ग्राउंड है। एल जी लेंथ ऑफ द ग्राउंड, डब्ल्यू जी विड्थ ऑफ द ग्राउंड। तो आप एल पी क्या है, लेंथ ऑफ द पैच है, डब्ल्यू पी ये डब्ल्यू पी है, ये इसको क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द पैच, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पी विच इज़ नथिंग बट इट्स अ विड्थ ऑफ द पैच। तो आप देखिए कि जब मैंने इसको एक्साइट किया बिकॉज ऑफ फ्रिंजिंग, देखिए इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेल्टा एल। सिमिलरली इस तरफ भी कितना है, डेल्टा एल। तो आप देखिए कि फ्रिंजिंग की वजह से इसका इफ़ेक्टिव लेंथ होगा। और मैंने आपको कभी डाइपोल एंटीना के लेक्चर में बताया है कि फ्रिंजिंग मतलब इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफ़ेक्टिव लेंथ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल लेंथ एंड ये फ्रिंजिंग, ये फ्रिंजिंग वाली जो लेंथ, फ्रिंजिंग की लेंथ प्लस फिजिकल लेंथ मिला के जो बनने वाली लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे इफ़ेक्टिव लेंथ देखिए, इफ़ेक्टिव लेंथ क्या है, डेल्टा एल ये लेंथ प्लस एल पी मतलब लेंथ ऑफ द पैच प्लस डेल्टा एल। तो क्या इस इक्वेशन को टू डेल्टा एल प्लस एल पी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से विड्थ के केस में देखिए, डेल्टा डब्ल्यू विड्थ ऑफ द पैच एंड डेल्टा डब्ल्यू, तो देन इट विल बिकम डब्ल्यू पी प्लस टू टाइम्स ऑफ डेल डब्ल्यू। तो आप यहाँ से देखिए कि फ्रिंजिंग की वजह से क्या इसका इफ़ेक्टिव एरिया बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। तो आप यहाँ से एक चीज़ और भी देखिए कि ये जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर बिटवीन, इन बिटवीन टू कंडक्टर देर इज़ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मीन्स देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ द कैपेसिटेंस। तो आप यहाँ पे दूसरी चीज़ भी नोटिस करिए कि कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। तो आपका क्या हुआ, आपका इफ़ेक्टिव एरिया तो बढ़ गया, इफ़ेक्टिव एरिया बढ़ गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और यहाँ पे जो ये डेल्टा एल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से जो लेंथ मिली, एक्सटेंशन इन लेंथ जो है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन ई। ये एप्सिलॉन ई क्या है, इफ़ेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब सवाल ये है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द इफ़ेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन है एप्सिलॉन ई का, इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इफ़ेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच क्या है, हाइट ऑफ द सबस्ट्रेट है, डब्ल्यू पी क्या है, विड्थ ऑफ द पैच है। और आपने अभी पिछले पेज में देखा भी है कि डब्ल्यू पी क्या है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, विच इज़ नथिंग बट लैम्डा बाई टू अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ऐसा है। तो सबसे पहले अब हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का इक्वेशन देखें। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का इक्वेशन किसी भी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के लिए एफ नॉट इज इक्वल टू सी ओवर टू अंडर रूट एप्सिलॉन ई एम बाई एल ई का स्क्वायर एन बाई डब्ल्यू ई का स्क्वायर पूरा पावर कितना है, हाफ है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल मोड और मोड क्या होते हैं इसमें। तो मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है, यहाँ पे कौन सी फीडिंग यूज़ की है, कोएक्सियल फीड यूज़ किया है। कोएक्सियल फीड यूज़ करने के बाद आप देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये करंट वेक्टर्स हैं, इस करंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको ज़्यादा दिख रहा है, इस करंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिख रहा है, इस तरफ धीरे धीरे कम हो रहा है, इस तरफ धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे करंट कैसी है, ज़ीरो। यहाँ पे बीच में करंट कैसी है, मैक्सिमम। यहाँ पे करंट क्या है, ज़ीरो है। क्या ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, बिल्कुल है। हाफ ऑफ द वेवलेंथ किसके अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, बिल्कुल है। क्या विड्थ के अलॉन्ग, ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की ये जो विड्थ है, इस विड्थ के अलॉन्ग डब्ल्यू पी के अलॉन्ग क्या किसी भी तरीके का हाफ वेवलेंथ वेरिएशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो किसी भी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में हम कौन सा मोड एनालाइज करते हैं, टी एम मोड। तो लिखते कैसे हैं, टी एम एम एन। तो एम क्या है,
एम क्या है, हाफ वेव लेंथ वेरिएशन, हाफ वेव लेंथ वेरिएशन अलोंग द लेंथ। एन क्या है, हाफ वेव लेंथ वेरिएशन अलोंग द विड्थ। तो देखिए लेंथ के अलोंग कितने हाफ वेव लेंथ वेरिएशन मिले, वन। क्या विड्थ के अलोंग कुछ मिला, नहीं। लेंथ के अलोंग कितने हाफ वेव लेंथ वेरिएशन मिला, वन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। क्या विड्थ के अलोंग कोई हाफ वेव लेंथ वेरिएशन मिला, नहीं मिला, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस मोड का नाम क्या हो जाएगा, TM10 मोड, विच इज़ द फंडामेंटल मोड ऑफ रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। अब दूसरा केस भी देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस केस में एक्स एक्सिस पे फीड किया था, इस केस में वाई एक्सिस से फीड कर रहा हूँ। तो वाई एक्सिस से जब फीड करूँगा तो यहाँ पे करंट वेक्टर सेंटर पे कैसा है, मैक्सिमम है। इधर इधर जा रहा हूँ तो जीरो मिल रहा है, इधर इधर जा रहा हूँ तो जीरो मिल रहा है। तो क्या ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्या ये ऐसा है क्या, यहाँ पे करंट जीरो है, यहाँ पे करंट जीरो है, यहाँ पे करंट क्या है, मैक्सिमम है। क्या ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ, हाफ ऑफ द वेवलेंथ वेरिएशन है, लेकिन किसके अलॉन्ग है, विड्थ के अलॉन्ग है। क्या लेंथ के अलॉन्ग कुछ मिला, नहीं। लेंथ के अलॉन्ग नहीं मिला मतलब एम की वैल्यू जीरो, विड्थ के अलॉन्ग मिला, हाँ, एन की वैल्यू वन। तो इस मोड का नाम क्या हो जाएगा, TM01 मोड। हालांकि ये दोनों मोड जो हैं ये दोनों ऑर्थोगोनल मोड्स कहलाते हैं। तो आपको क्या बात समझ में आई कि बाई इंस्पेक्टिंग द करेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम इन मोड्स का नाम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटल मोड कौन सा है, TM10 मोड। TM10 मोड के लिए हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी, वन। एन की वैल्यू कितनी, ज़ीरो। इसमें इक्वेशन में एम की वैल्यू वन और एन की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दीजिए तो एफ नॉट इज इक्वल टू सी ओवर टू अंडर रूट एप्सिलॉन ई वन ओवर एल ई हो जाएगा। तो ये एल ई क्या है, ये इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया तो ये एल ई क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। और इफेक्टिव लेंथ किसका किसका कॉम्बिनेशन था, फिजिकल लेंथ प्लस टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एल, पीछे एक्सप्लेन किया है। तो क्या लेंथ ऑफ द पैच मैं ऐसा दूंगा, सी ओवर इस ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म माइनस टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एल। तो मैंने क्या किया, डब्ल्यू पी भी निकाल लिया, एल पी भी निकाल लिया, डेल्टा एल भी पता है, एप्सिलॉन ई भी पता है। तो इन इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना डिज़ाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये तो पैच की डिज़ाइन थी। यदि किसी भी रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को देखा जाए तो इसमें ग्राउंड प्लेन भी होता है। आइडियली द साइज ऑफ द ग्राउंड प्लेन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं। तो इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये देखिए, साइज ऑफ द ग्राउंड प्लेन एल जी, लेंथ ऑफ द ग्राउंड प्लेन इज इक्वल टू एल पी प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ एच, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ एच। तो यदि आपने ये साइज चूज किया तो इट विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन। तो होपफुली ये लेक्चर रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के जो डिज़ाइन इक्वेशन है वो समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।